मेरा नाम फैरी शानी दास है और ये मेरी पहली फिल्म है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इस मुकाम तक हम पहुँचे हैं और क्या बोले हैं, इतनी खुशी लग रहा है कि कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। मैं इनके तरफ से एक बात कहना चाहूँगी, प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रोड्यूसर उम्र से बूढ़ा नहीं होता है, हालांकि अभी आप जवान हैं लेकिन प्रोड्यूसर ऐसे बाट बाट के बूढ़ा हो जाता है, लेकिन आप जवान हो बाल भी अलग काटे। जी जी, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा लोगों को पैसे बांटते बांटते, ऐसा फील हुआ कहीं बचपन याद आया कि हाँ नहीं फिल्म बनाना आसान नहीं? नहीं नहीं, वो तो बराबर है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं लगा ऐसा कि बचपन ठीक था लेकिन अब कैरियर की शुरुआत किए हैं और देखते हैं क्या होता है। मिस रोजी ही बनाना क्यों पसंद किया आपने, क्या ऐसे इसके इसके पीछे क्या कुछ समाज को संदेश जा रहा है कि आपने यही फिल्म बनाने की? मतलब ये एक स्टोरी आधारित, रियल स्टोरी पे आधारित है इसका एक ये स्टोरी एक बुक थी जिसका नाम मिस रोजा था, उसकी ही स्टोरी है लेकिन हम लोगों ने कुछ चेंज करके आज के जमाने पे लेकर इसको बनाया। पहले मैंने सवाल किया था जी जी क्यों नहीं होना जी 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 जी, और ये मिस रोजा भी, मिस रोजा फिल्म शायद आ चुका है बट शायद रिलीज नहीं हुआ, तो हम लोगों ने इसको मिस रोजा किया। हाँ, रोजा था, हम लोगों ने मिस रोजा किया था। कितनी खुशी और कितनी उम्मीद है इस फिल्म से, मिस रोजी से? अब उम्मीद है बहुत ज़्यादा उम्मीद है। क्या अच्छा, खुशी की बात तक कहें तो खुशी की बात जहाँ तक आपने पूछा तो मैं प्रूफ हूँ, बिकॉज जब हमारा पैकअप हुआ था तो ये इनकी खुशी ऐसी थी कि इन्होंने लिटरली रो पड़ी थी और लिटरली एक घंटा ये पूरी रोई थी, हम लोग रूम में एंट्री नहीं कर पाए। यू नो, बहुत दमदार होना बहुत जरूरी होता है, ऐसे प्रोड्यूसर दमदार जब प्रोड्यूसर मिलते हैं खेल से और उसे जी जी मैं उस समय तो बहुत खुश हुई और बाय नेचर शी इज़ वेरी गुड, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही कोऑपरेटिव है, ये बहुत कोऑपरेट किया और फिल्म जब हमारी ख़त्म हुई तो बहुत रोई थी, और वो सब सुविधा मिली थी, सब चीज़ की सुविधा मिली थी, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, और जब फिल्म ख़त्म हुई थी तो खुशी के आंसू थे, ना कि वो गम के आंसू थे। मिस रोजी को मैं ये शुभकामनाएं देता हूँ क्योंकि रोजी हर किसी को पसंद आए, क्योंकि रोजी हर किसी की ज़रूरत है और रोजी है तो रोटी है, रोटी है तो रोजी है, तो मैं समझता हूँ कि ये हर किसी के लिए ज़रूरी है, तो रोजी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि वो हर किसी के लिए रोजी का साधन बने। नए कॉमर्स हैं, न्यू कॉमर्स हैं, क्या लगा आपको कुछ? देखिए, न्यू कॉमर्स नजर आई, न्यू कॉमर्स का तो आज के ज़माने में ऐसा जलवा है कि नए लोग वो हंगामा कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि पुराने लोग जो होते हैं वो हमारी जड़ें होती हैं और नए लोग पत्ते होते हैं, तो इसी से पेड़ जो है सुंदर लगता है, जड़ें मजबूत होनी चाहिए और पत्ते हरे होने चाहिए तभी पेड़ अच्छा लगेगा, स्वस्थ रहेगा, तो ये हमारी इंडस्ट्री पेड़ है, पुराने हमारी जड़ें हैं और नए हमारे पत्ते हैं। चलते चलते एक आखिरी सवाल, पूरी में जो हमला हुआ जी, हमारे 18 सैनिक छोटे हुए सैनिकों जी 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 जी, कितना इसका खंडन किया जाएगा, इसको खंडन करे सुनील बालागर इस बात का खंडन करे, तो किस प्रकार? ये तो बहुत दुर्भाग्यशाली घटना हुई है, आतंकवादियों को मैं समझता हूँ कि ये किसके लिए कर रहे हैं ये सब चीज़ें, इतना बुरा काम किसका भला होने वाला है, ना ये इंसानियत का काम है, ना ये ऊपर वाले का काम है, ना किसी अपनों के भलाई का काम है, इसमें किसी का भी हित नहीं है, तो जो कुछ भी हुआ उरी में मैं इसके लिए इसकी बहुत गहरी निंदा करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ऐसे हमले हम पर दोबारा नहीं होने चाहिए, इससे हमें बचना चाहिए और जवानों के ऊपर मेरा सलाम है कि वो हमारी रक्षा करते हैं जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं, और जवानों को भगवान हमेशा तंदुरुस्त रखे और उनकी रक्षा करें। राज ठाकरे ने अपील की है कि कोई भी पाकिस्तानी काम नहीं करना चाहिए, क्या कितना मानते हैं? मैं राज साहब का सम्मान करता हूँ, राज ठाकरे साहब का सम्मान करता हूँ, मन से जो भी कहते हो मन से ही कहते हो, वाकई मन से कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने कई बार हमको धोखा दिया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार धोखा दिया, और पाकिस्तान के जो धोखा देने वाले लोग हैं वो पाकिस्तान के लोग भी नहीं है, पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान की जो आम जनता है उनके भी नहीं है, आम जनता भी बहुत परेशान है इनसे, वो पाकिस्तान के कलाकार जो यहाँ पर आकर काम करते हैं वो हमें बताते हैं कि वहाँ पर हमारे खाने के वादे, हमारे यहाँ पर काम के वादे हैं, हमको सरकार भी नहीं पूछती है, जनता जो आम जनता है उनके पास पैसे नहीं कि हमें हमारे फिल्में देख सके या हमें अप्रिशिएट कर सके, तो वो बेचारे भागे भागे यहाँ आते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान से ऐसे हमले होते रहेंगे तो कोई भी संबंध पाकिस्तान से हमें रखने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा, तो जो कलाकार यहाँ आते हैं भले उनको इज्जत मिलती है, रोजी रोटी मिलती है, लेकिन अगर उन्हीं के लोग
उनका सपोर्ट नहीं करेंगे, इस तरह से देश पर हमला, हमारे हिंदुस्तान पर हमला करेंगे, तो मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा भाई कि पाकिस्तान अपनी जगह पर खुश रहे, हिंदुस्तान अपनी जगह पर खुश रहे, कोई ऐसा संबंध ना रखे जिसकी वजह से किसी को भी दुख और क्षति पहुंचे। मैं मिस रोजी नाम की फिल्म इन दोनों बच्चों को देखने आया, मतलब बच्चे मेरे लिए वैसे सुपरस्टार हैं इन लोग, और इनके साथ में जो है हमारे हैं रमेश गोयल साहब, तो मतलब यूं समझ लीजिए मेरा बचपना तो नहीं कहूंगा, नहीं तो दोनों बूढ़े हो जाएंगे यानी जब से समझ आई फिल्म देखने की, जब से इनको देखते जा रहे हैं सर। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं फिल्म मिस रोजी के लिए, और हमारी प्रोड्यूसर साहब और जितने भी लोगों ने ये मेहनत की है, मैं चाहता हूँ कि ईश्वर इस फिल्म को कामयाब बनाए। म्यूजिकली भी ये फिल्म, मैंने जितने इसके गाने जिस हिसाब से प्रोमो में गाने दिए हैं, मुझे लगता है कुछ हटके है साउंड। यस जी। और दूसरी बात मैं बता दूं कि खास बात मुझे इस फिल्म की एक लगी कि लिमिटेड बजट में इन बच्चों से अच्छा काम लिया गया, डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा है, ट्रेलर देखने में मुझे बड़ा अच्छा लगा, इम्प्रेस किया, और मुझे लगता है फिल्म भी बहुत ही अच्छी बनी है। जब प्रमो सामने आता है तो उससे समझ में आ जाता है कि भाई फिल्म अच्छी बनी होगी, तो मेरी तरफ से यानी दिलीप सैन की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं इस फिल्म को, हमारे दोनों सुपरस्टारों को और मिस रोजी को। नमस्कार। दिलीप जी का म्यूजिक तो बहुत लोगों ने, बहुत दर्शकों ने प्यार किया है और आशीर्वाद भी दिया है, तो दिलीप जी को एक्टिंग करते हुए कब देखेंगे दर्शक पर देखेंगे? अच्छा सवाल। एक बात सुनिए, मेरे ख्याल से मेरा जो काम है मतलब म्यूजिक का वो ज़्यादा अच्छा है, हाँ कहीं कहीं मैं ऐसे एज ए एक्टर होना ले सकता हमारी किंग बटूम, और तो वो ऐसा है कि जैसे गोविंदा जी के साथ मैंने काम किया था एक फिल्म में अनारी नंबर वन में, अब रही बात जैसे बच्चे लोग एक्ट करते हैं तो उतना पावरफुल एक्टर हूँ नहीं मैं, हाँ कभी अगर फ्यूचर में कभी मौका मिला एज ए एक्टिंग करने का, वो भी मेरे लायक कोई रोल हो तो मैं ज़रूर करूँगा। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है मिस रोजी फिल्म, एक कलाकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विषय होता है, दिन होता है जी, आज ट्रेलर लॉन्च हुआ या कुछ भी ऐसा म्यूजिक लॉन्च हुआ तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है, कितनी खुशी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ, मेरा नाम ज़ैद खान, और जैसे इन्होंने बताया एक्टिंग की बात, तो मैं डेफिनेटली कहना चाहता हूँ ये मेरे पापा का रोल ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह जब मैं थोड़ा और बड़ा हो जाऊँगा। और खुशी की बात है कि बहुत, आज तो मैं बहुत खुशी हूँ क्योंकि मेरे सारे सपोर्टर, मेरे प्रोड्यूसर, मेरे को एक्टर और ये मेरे मतलब पिता समान म्यूज़िक डायरेक्टर दिलीप जी मेरे साथ हैं, और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो हम काम करते हैं वो तरीके से और टाइम से उस मकाम तक पहुंच जाए, सबसे बड़ी खुशी है, क्योंकि हम लोग बहुत सारा काम कर देते हैं और उस टाइम में वहां तक नहीं पहुंच पाता, ये है कि टाइम है, लिमिट है, और वहां तक उड़ान जो हम धीरे से, प्लेन का एक उड़ान होता है, धीरे से हम चलते चलते वहां पहुंच जाते हैं, वो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और ये मेरा पहला काम नहीं है, आप मुझे सर्च भी कर सकते हैं, देख सकते हैं ज़ैद खान के नाम से। बाकी आप बताइए किरदार की बात करें तो किस प्रकार का किरदार है? हाँ जैसे देख के कुछ लग रहा था, एक्चुअली मेरा फेस है और जो मतलब मेरे ऊपर जो लोग वर्कआउट करते हैं ज़्यादातर रोमांटिक जाता है, बट मैं कुछ डिफरेंट ट्राई किया इसमें और कुछ अलग ही, बट मैं ये कहना चाहूँगा टाइटल आपका फीमेल ओरिएंटेड है मिस रोजी, बट काम सबका अलग अलग है और काम सबका सब पेचीदा है, मतलब आप देखोगे तो कहोगे हाँ रोमांटिक हीरो ज़रूर हूँ मैं, पर उस क्लास को मैंने बिल्डअप करके कहाँ तक उठाया वो आप फिल्म देखने के बाद ही बताऊंगा। मिस्टर रोजी क्यों नाम रखा, मिस्टर रोजा क्यों नहीं रखा गया? ये भी एक चीज़ है क्योंकि आपको पता है मिस रोजी को रोज़ पसंद है, तो हम लोग ऐसा सोच रहे थे कुछ ऐसा मार्केट में आए और एकदम से हिट हो जाए, इसलिए रोजी रखा गया जी। मैं एक कहानी बताना चाहूँगा, चैलेंजिंग का अगर चैलेंजिंग की बात करें, हम लोग दिल्ली नजफगढ़ में शूट किया, ठंडी का वक्त था, तो कहने वाली बात नहीं है, कपड़े हमारे सूखते नहीं थे, मतलब इतना ज़्यादा चैलेंजिंग था कि सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाना, सात बजे उठकर रनिंग करता था सबको पता है, और उसके बाद कपड़े सूखते नहीं थे ड्रायर पे ये वो, मतलब इतना मशक्कत थी कि मतलब कभी कभी ये लगता था कि मतलब गीले कपड़े पहन के शूट करें, पर इन लोगों ने बहुत साथ दिया तो कुछ पता ही नहीं चला, बहुत जल्दी काम हो गया। देखिए चूँकि मैं काफ़ी सीनियर एक्टर हूँ, मुझे 42 ईयर्स हो गए इस लाइन में, 42 साल का जो मेरा अनुभव है वो ये है कि मेरे हिसाब से हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जितनी छोटी फिल्में बनेंगी, कम बजट की फिल्म बनेंगी, उतनी ही हमारी इंडस्ट्री प्रॉस्परस होगी, आगे बढ़ेगी। और मुझे मिस रोजी देखने के बाद में ऐसा लग रहा है, प्रोमो देखने के बाद में,
कि फिल्म बहुत अच्छी बनी है, कम बजट में बनी है और सभी नए स्टार्स हैं, इसलिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत फ़ायदा है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टार आएंगे नए नए, तो ज़्यादा बड़े बड़े स्टार बनेंगे, क्योंकि अगर इंडस्ट्री हमारी 10-15 जो बड़े बड़े हीरो उनमें सिमट कर रह जाएगी तो नए लोगों को चांस कम मिलेगा। इसलिए जो प्रोड्यूसर ऐसी कोशिश करते हैं, नई फिल्म बनाते हैं, मुझे तो बेहद खुशी होती है और मेरी पूरी पूरी शुभकामना है कि ये फिल्म चले, सुपर हिट हो और ये लोग स्टार बने, फिर इनके आगे आने वाली पूरी फिर स्टार बने, स्टार बन भी चलिए और हमारी फिल्म संपन्न हो, आगे फैले। हाँ बस मैं इसी तरह से काम करता रहूँ क्योंकि मैं तो बुजुर्ग हो चुका हूँ। बहुत चीटिंग करी अपने हस्बैंड के साथ, मेरे बॉयफ्रेंड भी रहे, मैंने उनका मर्डर किया, मतलब सस्पेंस थ्रिलर मूवीज काइंड, मेरा भी कैरेक्टर वैसे ही था, मतलब धोखेबाज बोल सकते हैं मुझे कि मेरा हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते हैं, पहले मेरा उनसे प्यार होता है, फिर उसके बाद वो पैरालाइज हो जाते हैं तो मेरा दिल थोड़ा भटक जाता है, तो फिर मेरा दिल किसी और पे आ जाता है और फिर उससे विलन के लिए ऐसा होता है कि मैं अपनी सिस्टर से और अपने हस्बैंड को मार देती हूँ, उनसे भी बगावत कर देती हूँ। तो रियल लाइफ में भी ऐसा कभी हुआ अभी तक मेरी शादी में, तो रियल लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं, और रियल लाइफ में ऑब्वियसली मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करूँगी और मारने का तो चांस ही नहीं है। ऑब्वियसली ये तो हमारी ऑडियंस से, आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पसंद करें उस फिल्म को और बहुत आगे तक जाए मेरी फिल्म, और आई एम रियली थैंकफुल टू माई प्रोड्यूसर, माई डायरेक्टर, जिन्होंने मुझे मिस रोजी के लिए चूज़ किया, मुझे एक कैरेक्टर निभाने के लिए दिया, एंड आई एम वेरी प्राउड फॉर दिस मूवी। थैंक यू सो मच। और गाने लिखे हैं और मैंने गाया भी है और आप लोगों को पसंद भी आया होगा। जी हाँ, गाने इसमें रोमांटिक सॉन्ग है, ऑल कहें तो रोमांटिक सॉन्ग ही है, और टोटली इसमें 5 सॉन्ग हैं और इसमें जिसमें से मैंने 4 सॉन्ग्स लिखे हैं और 5 मैंने गाए हैं। हाँ वाई नॉट, 5 गाने गए हैं जिसमें से मैं टाइटल सॉन्ग आप लोगों को सुना देता हूँ। तेरी सांस मुझे संदल सी लगे, तुझ नहीं अब खोने दे, तू ऐसा मौसम सा लगे, क्यों तेरा उधर मुझे सरदम सा लगे, रोजी 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 रोजी। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। मैं आसे जी 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 सब कुछ पहले आपने बता ही दिया, लेकिन कैमरे को बता दीजिए आपका नाम। एग्जैक्टली। और जी सोनिया सिंह जी, इस फिल्म में आपकी किरदार की बात करें तो किस प्रकार का किरदार है, क्या कहना चाहिए, कितनी खुशी हो रही है मिस रोजी का पार्ट? समझ गई। देखिए फिल्म में मेरा जो किरदार है बहुत ही पॉजिटिव है, पॉजिटिव इन द सेंस कि इट्स लाइक लीड है एंड कहीं भी लाइक, जैसे हमारे फिल्म में जो लीड में काम किया, जो हमारी हीरोइन है, मैं सेकंड लीड में थी, तो उनका कंप्लीट नेगेटिव था, उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ चीट किया, अपने हस्बैंड के साथ चीट किया, बट मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उनकी सिस्टर होती हूँ और पूरे घर को संभालती हूँ एंड टेक केयर करती हूँ, और मेरा इस तरह का कुछ किरदार है, कंप्लीट पॉजिटिव। तो हर किसी में खुशी होती है, मैं एक एक्टर हूँ तो बी एन एक्टर, मुझे बहुत ही अच्छा लगा देखकर कि ट्रेलर बहुत ही अच्छा बनाया इन्होंने। थैंक यू।